जिले में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत कर्मियों का आंदोलन तेज होते जा रहा है। चौथे दिन भी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। जिले भर के सैकड़ों बिजली कर्मी कामकाज छोड़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्य बहिष्कार के चलते उपकेंद्रों पर कामकाज ठप पड़ा हुआ है। 24 घंटे से ऊपर बलिया शहर के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद है, जिसको लेकर उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अभियंता संघ शाखा के सचिव का कहना है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, सब 15 सूत्री हमारी मांगे हैं जो प्रबंधन को के खिलाफ हम लोग जो है ये मोर्चा खोले हुए हैं। इसमें प्रमुख जो है उनका एक तो दमनकारी रवैया है हमारे चेयरमैन जो है एम देवराज का, जो कि कुछ भी मतलब जो है ना तो कोई हम लोगों को सुविधा मिलती है, कई जगह हमारे यहाँ तार और मटेरियल की कमी है। उसके बाद भी ये लगातार हम लोगों के खिलाफ कई सारे हमारे साथियों को टर्मिनेट करना, इनको जो है सस्पेंड कर देना, जांच कमेटियां बना देना, मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, और सुबह मतलब जो है जो कंपनी एक्ट है हमारे 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं ले सकते, 16-16 घंटे की ड्यूटी लेना, सुबह रेड कराना, रात को 12 बजे तक काम कराना, इस तरीके के जो ये इनके मतलब फरमान जो जारी हो रहे हैं तुगलकी फरमान टाइप के, इनके खिलाफ हम लोग इकट्ठा हैं। इसमें हमारी पुरानी पेंशन की मांग भी है। हमारा एक हम लोगों को जो विभागीय कनेक्शन एलमी 10 के अंतर्गत मिलता है, जिसमें विभागीय हम लोग कनेक्शन यूज करते हैं बिजली विभाग का, उसको भी ये ख़त्म करने के मतलब लगे हुए हैं पूरी तरीके से। उसके बाद जो है हमारे जो भी मतलब जो है मांगे इसमें आ रही हैं वो मेन यही हैं कि मतलब इनका जो रवैया है वो हम लोगों की तरफ सौहार्दपूर्ण ना होकर के ये दमनकारी टाइप का रवैया इनका। तो जिस तरह से सरकार हमारा जो शुरू हुआ, हमने नोटिस पीरियड इनको जो है 3 अक्टूबर से हमारा चालू है जन जागरण का कार्यक्रम, उसके बाद जो है 29 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे हैं, जो कि मतलब अभी कब तक चलेगा ये हम भी नहीं कह सकते। जैसा ऊपर के अधिकारियों का, ऊपर के हमारे जो भी नेतागण हैं उनका जो आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। इस दौरान देखा जा रहा है कि शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां बिजली कल से ही सप्लाई बंद कर दिए गए हैं। नहीं, बंद नहीं किया गया है। देखिए, हम कार्य बहिष्कार का मेन ये होता है कि भाई अगर कोई सप्लाई बंद हो गई तो हमारा कोई भी कर्मचारी बनाने नहीं जाएगा। उसके लिए हमने लोगों ने पहले ही नोटिस दे रखा था और प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएँ की हैं। जिनको हर बिजली घर का चार्ज दिया गया है वो आकर के अपना चार्ज लें और चलावें, तो कम से कम उनको भी ये समझ में आवे कि किस कठिनाइयों में हम लोग इस बलिया शहर को या उत्तर प्रदेश को सप्लाई दे पा रहे हैं। वहीं मौके पर सप्लाई बंद होने से डीएम एसपी उपकेंद्र पर पहुंचे और जिलाधिकारी ने कहा कि कार्य पर कर्मचारी नहीं लौटे तो कार्रवाई होगी। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि अगर प्रशासन कार्रवाई करेगा तो बड़ा आंदोलन होगा। UP60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।